हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम क्लास सिक्स एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 7 आवर कंट्री इंडिया स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम हमारे देश भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा आपको पता है, भारत यानी इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है और काफ़ी वास्ट कंट्री है जियोग्राफिकल एक्सपेंस की देखा जाए तो। मतलब इंडिया के चारों तरफ अगर हम देखें तो इंडिया के नॉर्थ साइड में हिमालयस पड़ते हैं, वेस्ट साइड में अरेबियन सी पड़ती है, ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल और साउथ में इंडियन ओशियन। और इतनी सारी चीज़ें के बाद इंडिया एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला क्या होता है? द पेनिनसुला इज़ अ पीस ऑफ लैंड दैट इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स। तो देखिए, तीनों साइड से जो भी जगह पानी से घिरी हो उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। तो इंडिया भी देखिए, वेस्ट में अरेबियन सी से घिरी हुई है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से और साउथ में इंडियन ओशियन से। तो तीनों जगहों से पानी से घिरे हुए है इंडिया, इसलिए ये भी एक पेनिनसुला है। इंडिया का जो एरिया है उसकी अगर हम बात करें तो इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया का कितना एरिया है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नॉर्थ से लेकर साउथ तक की बात करें, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी की बात करें तो वो है 3200 किलोमीटर। और अगर ईस्ट से वेस्ट यानी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की बात करें तो गुजरात तक की यानी ईस्ट से लेकर वेस्ट तक की दूरी है 2900 किलोमीटर। माउंटेन्स, ग्रेट इंडियन डिज़र्ट, प्लेन्स जो नॉर्थ में पड़ते हैं, प्लेट्यूज, कोस्ट, आइसलैंड और इतनी सारी चीज़ें होने के बाद काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है लैंड फॉर्म्स की भी इंडिया में। और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी किस किस चीज़ों में है? क्लाइमेट में अगर हम देखें तो अलग अलग स्टेट्स जो होते हैं, कहीं पर गर्मी होती है, कहीं पर सर्दी होती है। वेजिटेशन, कहीं पर प्लांट्स की बहुत कमी होती है तो कहीं पर कई सारे प्लांट्स होते हैं। वाइल्ड लाइफ, जानवरों की भी अलग अलग वेराइटीज़ हैं। एज वेल एज अगर हम लैंग्वेज की भी बात करें तो कई अलग अलग भाषाएँ बोली जाती हैं इंडिया में, बहुत ही सारी। और कल्चर की अगर हम बात करें तो बहुत सारे कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस हैं। और इसी डाइवर्सिटी में हम पाते हैं कि इतनी सारी डाइवर्सिटी, इतनी सारी अलग अलग चीज़ें होने के बावजूद भी इंडिया में एकता है, जो कि दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशन दैट बाइंड अस इन वन नेशन। और यही इंडिया का ट्रेडिशन, यही इंडिया की जो एकता है वो इंडिया को बांधती है नेशन में, एक ही नेशन में। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 120 करोड़ से भी ज़्यादा है। 2011 से ही बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की। और इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, और फर्स्ट नंबर पर चाइना है, सेकंड नंबर पर इंडिया है पॉपुलेशन में, यानी लोगों की मात्रा में, लोग बहुत ज़्यादा हैं इधर। अब हम बात करते हैं लोकेशनल सेटिंग की। तो लोकेशनल सेटिंग, इंडिया कहाँ पर है? इंडिया नॉर्थन हेमिस्फीयर में लोकेट करती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23°30' नॉर्थ पर है वो इंडिया से पास होकर ही जाता है। अगर हम साउथ से लेकर नॉर्थ तक की बात करें तो इंडिया आती है 8°4' एंड 37°6' नॉर्थ लैटिट्यूड में। और लॉन्गिट्यूड में वेस्ट से लेकर ईस्ट तक इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है वो 68°7' ईस्ट एंड 97°25' ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। और अगर हम डिवाइड करें, अगर हम पूरे वर्ल्ड को डिवाइड कर दें तो इंडिया हमें ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है इंडिया, ठीक है। तो इंडिया नॉर्थन हेमिस्फीयर, और अगर हम वैसे देखें तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है। और देखिए, अब हम पिछले चैप्टर्स में सब पढ़ ही चुके हैं जो मैंने आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स बताया है ना। और इंडिया में भी अगर हम देखें तो ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट, काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंट है लॉन्गिट्यूड्स का, है ना, काफ़ी ज़्यादा। इंडिया की काफ़ी बड़ी कंट्री है ना इंडिया, इसी वजह से यहाँ पर टाइम का भी अंतर है। गुजरात में अगर हम देखें, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि अगर हम देखें तो यहाँ इस साइड में क्या होता है, जो दिन है वो जल्दी निकल आता है और इस साइड में दिन जल्दी नहीं आता। अगर हम पढ़ें तो देखिए, 2 घंटों का अंतर है इंडिया के टाइम में। और जैसा हमने पहले पढ़ा है, इसलिए हम लोकल टाइम रखते हैं। और हर लॉन्गिट्यूड का जो वो होता है डिग्री, वो 4 मिनट का होता है। अब जैसे देखिए, अभी मैं आपको बताती हूँ, अरुणाचल प्रदेश वाला जो रीजन है ना, वहाँ पर सूरज जल्दी उगाता है, और गुजरात वाला जो रीजन है वहाँ पर थोड़ा देर में उगता है, यानी ईस्ट में जल्दी आ जाता है सूरज और गुजरात में 2 घंटे लेट आता है, ठीक है। तो 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है इंडिया के स्टेट्स में। तो जैसा हमने पहले पढ़ा है, इसीलिए हम लोकल टाइम रखते हैं, कितने लॉन्गिट्यूड का, 82° एंड 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड का। तो देखिए, ये है 82° एंड 30
ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये जो बीच में हम लाइन खींच देते हैं इंडिया को बराबर डिवाइड कर देते हैं, और इस लाइन पे जो टाइम हो रहा होगा ना इसी को हम मेन टाइम मानते हैं पूरे इंडिया का, और इसी वजह से ना सारी जगह इंडिया में एक ही टाइम रह पाता है, और इसी को हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। और ये जो बीच में मैंने लाइन खींची इसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया बोलते हैं, और इसी की वजह से हमारा एक ही टाइम रहता है पूरे देश में, ठीक है। तो इस लाइन पे जितना भी टाइम होगा वही हम इसका और इस रीजन का मानेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में, इसी मेरिडियन की वजह से इंडिया का एक ही रहता है टाइम। अब अगर हम बात करें इंडिया के नेबर्स की, यानी आसपास की इंडिया की जो पड़ोसी देश हैं, तो 7 कंट्रीज़ हैं जो कि अपना बाउंड्रीज शेयर करती हैं इंडिया के साथ, यानी 7 पड़ोसी देश हैं भारत के। तो देखते हैं कौन कौन से जो हैं हमारे साथ कंट्रीज़ लैंड शेयर करती हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो ये सारी हमारे 7 पड़ोसी देश हैं जो हमारे साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इसके नीचे इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, ये तो हमारे चैप्टर का नेम है, यहाँ पर हम देखते हैं। हाँ, तो देखिए ये इंडिया का एक और मैप दे रखा है, इस मैप में हमें बताया गया है कि इंडिया के कितने सारे हमारे स्टेट्स हैं इंडिया में। तो देखिए लद्दाख, शिमला, ऊपर से अगर हम कन्याकुमारी तक देखें, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो इतने सारे पूरे 29 हमारे स्टेट्स हैं। देखिए पहले क्या था, 28 स्टेट थे, अब काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं 28 स्टेट हैं या फिर हमारे इंडिया में 29 स्टेट है। तो देखिए हमारे इंडिया में 29 स्टेट हैं, जो तेलंगाना है ना वो 29th स्टेट कब बना इंडिया का, 2014 में तेलंगाना भी जुड़ गया, ठीक है। तो इसी वजह से अभी इंडिया में 29th स्टेट हैं। तो ये सारे स्टेट्स का आपको मैप दे रखा है, इसको आप देख सकते हैं आराम से। ऑफ दीज कंट्रीज फॉर द फिगर 7.1, तो ये बता रखा है कि इतने सारे हमारे इंडिया में पड़ोसी देश हैं, आप इस फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। तो हाउ मैनी ऑफ दिस कंट्रीज़ डू नॉट हैव एसेस एनी ओशियन और सी, हम पता लगा सकते हैं कि इन कंट्रीज़ के आसपास कोई नदी है या नहीं है। अक्रॉस द सी टू द साउथ लाई अवर आइसलैंड नेबर्स श्रीलंका एंड मालदीव्स। अब देखिए जो हमारे आइसलैंड नेबर्स हैं ना, आइसलैंड का क्या मतलब होता है, देखिए बच्चों आइसलैंड जो होता है उसका मतलब होता है कि आइसलैंड वो जगह होती है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरी हो या पानी के अंदर हो, उसको हम आइसलैंड बोलते हैं। तो हमारे आइसलैंड देश कौन से हैं जो हमारे साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, ये रहा श्रीलंका और ये रहा मालदीव्स, ठीक है। ये दो हैं जो कि हमारे साथ बाउंड्री शेयर करते हैं और ये दोनों ही आइसलैंड हैं, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाल्क स्ट्रेट। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि इंडिया और श्रीलंका अलग अलग हैं, और श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो पतली सी आप परत देख रहे हैं, लाइन देख रहे हैं ना, इसका नाम है पाल्क स्ट्रेट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया और श्रीलंका एक दूसरे से अलग कैसे रहते हैं, पाल्क स्ट्रेट इनको अलग करता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में पाल्क स्ट्रेट पड़ता है जिसकी वजह से ये दोनों अलग रहते हैं। उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, हम सभी को पता है काफ़ी बड़ी कंट्री है। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए द कंट्री इज़ डिवाइडेड इंटू 29 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। यस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो सबको पता है ना, 29 स्टेट्स हैं इंडिया में और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो यहाँ पर इंडिया का फिजिकल मैप दे रखा है, अब इस मैप में हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हिमालयस पड़ते हैं इस साइड में, और यहाँ पर हमारे नॉर्थन प्लेन्स पड़ते हैं, यहाँ पर हमारे विंध्या वाले हिमालय जो है उनकी रेंज पड़ती है, और देखिए ये रहा डिक्कन प्लेट्यू, और इधर ईस्टर्न घाट हैं और इधर वेस्टर्न घाट हैं, ये कोस्टल एरियाज़ हैं। कोस्टल एरियाज़ यानी नदी के किनारे जो चीज़, नदी के किनारे के एरियाज़ हैं ना वो, देखिए कोस्टल एरियाज़ उन एरियाज़ को कहते हैं जो नदी के किनारे होते हैं। अब देखो ये वाला साइड नदी के किनारे है ना इसलिए, और उसके बाद कावेरी नदी ये रही, और ये आप पूरे मैप में देख सकते हैं, अरावली रेंज सबसे पुरानी रेंज है ये, ग्रेट इंडियन डिज़र्ट इधर पड़ती है, तो ये दे रखा है ब्रह्मपुत्र नदी ये रही है ना, इसे आप देख सकते हैं। इंडिया का फिजिकल मैप है। दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल, अगर हम बात करें इंडिया की तो दिल्ली इंडिया की नेशनल कैपिटल है, ठीक है। और जितने भी मैंने आपको स्टेट बताए ना वो बने हैं लैंग्वेजेस के बेसिस पर, यहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं हर एक स्टेट में। सो ये हमने पढ़ लिया। अब देखिए मैंने एक बॉक्स नहीं बताया था आपको पहले, ये वाला बॉक्स भी हम पढ़ लेते हैं जो कि हमने छोड़ दिया था, ठीक है।
यस. लार्ज कंट्रीज विच स्ट्रेच एक्सटेंटिवली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डू नॉट हैव अ सिंगल स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री. द यूएसए एंड कनाडा हैव 7 and 6 टाइम जोन्स रिस्पेक्टिवली. तो जैसा हमने पता है, हमें पता है कि इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंट्री है और इसका भी एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, इसलिए हमने इंडिया के बीच में एक लाइन खींच दी है बीचों बीच, है ना, एक मेरिडियन खींच दी है जिससे स्टैंडर्ड टाइम बन जाता है. तो इसी तरीके से काफ़ी कंट्रीज़ हैं जिनके कई सारे, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी कंट्री हैं, इसलिए उनके बड़े ज़्यादा ही स्टैंडर्ड टाइम होते हैं. मतलब वही चीज़ है कि हर कंट्री का टाइम के लिए एक सिंगल स्टैंडर्ड टाइम रखा जाता है. यूएसए और कनाडा के 7-6 स्टैंडर्ड टाइम है क्योंकि वो काफ़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, यही इस बॉक्स में कहा गया है. ठीक है, और बाकी हमने स्टैंडर्ड टाइम के बारे में पिछले चैप्टर्स में पढ़ ही रखा है बच्चों. ठीक है, तो अब देखते हैं हम आगे. फिज़िकल डिवीजन्स, अब हम पढ़ेंगे फिज़िकल डिवीजन्स के बारे में, लेकिन उससे पहले हम इस बॉक्स को रीड करते हैं. एलुवियल डिपॉजिट. एलुवियल डिपॉजिट का क्या मतलब होता है, देखिए जो मैंने आपको बताया था, जो नदियाँ होती हैं वो अपने साथ पत्थर वगैरह, मिट्टी वगैरह रख कर आ जाती हैं, लेकर आती हैं और किसी जगह इकट्ठा कर देती हैं. और जब वो चीज़ इकट्ठी होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, तो प्लेन बन जाता है, एक इलाका बन जाता है मिट्टी का, है ना. तो उन्हीं को हम एलुवियल डिपॉजिट कहते हैं. एलुवियल डिपॉजिट का मतलब जो नदियाँ अपने साथ पत्थर, मिट्टी, रेत वगैरह भरकर आती हैं ना, और फिर उसे कहीं डिपॉजिट कर देती हैं, उसको हम एलुवियल डिपॉजिट कहते हैं. ट्रिब्यूटरी. अब ट्रिब्यूटरी हमने कई बार पढ़ा है, ऐसी छोटी छोटी नदियाँ जो कि एक बड़ी नदी में आकर मिल जाती हैं, उनको हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं. अब चलिए बात करते हैं इंडिया के फिज़िकल डिवीजन्स के बारे में. तो इंडिया इज मार्क्ड बाय डाइवर्सिटी ऑफ फिज़िकल फीचर्स. इंडिया में क्या क्या है, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, कोस्ट एरियाज हैं, आइसलैंड हैं, और इतना सब है इंडिया में. और अब हम बात करें हिमालयस की, तो स्टैंडिंग एंड सेनेटल्स इन द नॉर्थ आर द स्लो स्नो कैप्ड हिमालयस. नॉर्थ साइड में हिमालयस पड़ते हैं, हिमालय में हिम प्लस आलय से बनकर हिमालय बना है. तो हिमालय का मतलब होता है एक ऐसी पहाड़ या कोई भी चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ हो, जिस पर बर्फ़ का एक तरीके से पूरा कारपेट, उसको हम हिमालय बोल सकते हैं. तो जो हिमालय के माउंटेन्स हैं ना, वो 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइडेड हैं. ठीक है, जैसे आपको पता है हिमालय के जो माउंटेन्स हैं वो कहाँ पर पड़ते हैं, हमने मैप में देखे थे, ये देखिए ये रहे सारे हिमालय के माउंटेन्स. तो इनको ना, माउंटेन्स को हम अलग अलग नाम से जानते हैं. इन माउंटेन्स को ना, जैसे मान लीजिए ये रहे सारे माउंटेन्स, इनकी पूरी रेंज बनी हुई है. तो अब हम जो नॉर्थ साइड में रेंज है ना, जो नॉर्थ साइड में रेंज है उसको हम अलग नाम देंगे, जो इस साइड में रेंज है उसको हम अलग नाम देंगे. तो इस तरीके से इन माउंटेन्स के नाम पड़े हुए हैं. तो अब पढ़ते हैं जो नॉर्थ में है ना, नॉर्थ में जो माउंटेन है, नॉर्थन मोस्ट माउंटेन, उनको हम ग्रेट हिमालय या हिमाद्री नाम से जानते हैं. और ग्रेट हिमालय इधर का नाम पड़ा है इसलिए क्योंकि यहाँ पर सारे बड़े बड़े हिमालय हैं. ठीक है, द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक, यानी बड़े बड़े हिमालय हैं इस जगह पर. उसके बाद ये तो बीच साइड के पहाड़ हैं ना, बीच में जो पड़ते हैं उनको हम कहते हैं मिडल हिमालय. मिडल का मतलब बीच में, है ना. या तो आप इनको मिडल हिमालय कह दीजिए या आप इनको हिमाचल कह दीजिए, बहुत सिंपल है. ओके, उसके बाद देखते हैं हम, मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन सिचुएटेड हेयर. बीच वाला जो मिडल हिमालय है, यहाँ पर काफ़ी सारे हिल स्टेशन हैं. और अब जो साउथ में पढ़ते हैं, जो साउथ साइड वाले होते हैं ना, साउथ साइड वाले हिमालय, उनको हम शिवालिक बोलते हैं. ठीक है, तो साउथ में जो हिमालय पढ़ते हैं उनको हम शिवालिक बोलते हैं. अब हम एक बार मैप में देख लेते हैं, इससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. ये देखिए, ये शिवालिक, ये ग्रेट हिमालय, ठीक है, और बीच वाले मिडल हिमालय. नाउ द नॉर्थन इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ हिमालयस. हिमालय के साउथ में, देखिए यहाँ पर नॉर्थन इंडियन प्लेन्स पड़ती हैं. ठीक है, यहाँ पर नॉर्थन इंडियन प्लेन्स हैं. देखिए प्लेन्स कौन सी जगह होती हैं, प्लेन्स वो जगह होती हैं जहाँ पर हम लोग रहते हैं. ठीक है, और प्लेन्स जो होती हैं वो एकदम सीधी जगह होती हैं, और ये रहने के लिए लोग ज़्यादातर प्लेन्स पे ही रहते हैं. दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट. प्लेन्स कैसी होती है, एकदम सीधी होती हैं और एकदम चपटी सी होती हैं. और ये कब बनती हैं, जब सारी नदियाँ अपने एलुवियल डिपॉजिट यानी अपनी मिट्टी पत्थर वगैरह यहाँ आकर जमा कर देती हैं और जमा करती जाती हैं, करती जाती हैं. तो इस तरीके से यहाँ पर एक लैंड क्रिएट हो जाता है और उस पर हम लोग रहने लग जाते हैं. और कौन कौन सी नदियाँ लाती हैं, इंडस हो गई, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, और उनकी ट्रिब्यूटरी हो गई, ये सारी लाकर कुछ ना कुछ एलुवियल डिपॉजिट यहाँ पर इकट्ठा कर देती हैं.
ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर एक लैंड बन जाता है जो कि काफ़ी फर्टाइल होता है, मजबूत होता है। यहाँ पर खेती बाड़ी आसानी से हो सकती है, रोड वगैरह आसानी से बन सकती है, इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं प्लेन्स पर। ठीक है, तो देखिए हिमालय के नीचे ये नॉर्थन इंडियन प्लेन्स हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आके देखिए वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डिज़र्ट। अगर हम इंडिया के वेस्ट साइड में जाएँ तो वहाँ पर ग्रेट इंडियन डिज़र्ट आ जाती है, थार वगैरह, वो काफ़ी ड्राई होती हैं, हॉट होती हैं और सैंडी होती हैं। इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन, आपको पता ही है डिज़र्ट वाले इलाकों में काफ़ी कम पेड़ पौधे उगते हैं। नॉर्थन प्लेन्स जो हमने देखे थे ना, देखिए ये रहे हमारे नॉर्थन प्लेन्स। तो नॉर्थन प्लेन्स के साउथ साइड पे पड़ते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं ये रहे हमारे नॉर्थन प्लेन्स, और इनके अगर हम साउथ साइड में यानी नीचे की तरफ देखें तो ये आ जाते हैं प्लेट्यूज़। देखिए ये रहे, ये जो येलो येलो पार्ट में है ना, ये डेक्कन प्लेट्यू है। अब ये जो प्लेट्यू है, ये जो डेक्कन प्लेट्यू है, इसके चारों तरफ पानी पानी है, देख पा रहे होंगे आप। ये देखिए ये जो येलो 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 वाला भाग है ना, जो आपको दिखा रखा है, ये है प्लेट्यू, और इसके चारों तरफ पानी पानी है। देखिए अरेबियन सी इस साइड और बे ऑफ बंगाल इस साइड, तो इसलिए हम इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं, यानी पानी से घिरा हुआ प्लेट्यू। ये ट्रायंगुलर है शेप में, अगर हम देखें तो एकदम ट्रायंगल जैसा शेप है इसकी। और इट इज़ रिलीफ, दिस इज़ अ रीजन विद न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज, और इसके अंदर काफ़ी सारी रेंजेस पड़ती हैं, जैसे देखिए विंध्या रेंज है ना, विंध्या रेंज हो गई, और कई सारी रेंजेस यहाँ पर पड़ती हैं, सतपुरा रेंज, यानी काफ़ी सारे पहाड़ की रेंजेस और वैली वगैरह इसमें पड़ती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या पड़ते हैं, यहाँ पर बता भी रखा है काफ़ी हिल रेंजेस पड़ते हैं, जैसे अरावली के पहाड़ पड़ते हैं कहाँ पर, इन प्लेट्यू पर, जो मैं प्लेट्यू आपको बता रही हूँ उन पर। देखिए अरावली के पहाड़ पड़ते हैं, ये रे अरावली के पहाड़, जो कि अरावली के जो पहाड़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओल्डेस्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड, यानी इस साइड में, नॉर्थ वेस्ट साइड में अरावली के पहाड़ हैं, ये रहे मैंने आपको दिखाई दिए थे। उसके बाद हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द विंध्याज एंड द सतपुराज आर द इम्पॉर्टेंट रेंजेस। विंध्याज दिखाए थे मैंने आपको, सतपुराज वो भी पड़ते हैं, नर्मदा और तापी भी इधर ही पड़ती हैं, नर्मदा नदी और जो तापी नदी है ना, वो भी इन्हीं डेक्कन प्लेट्यू, जो प्लेट्यू मैंने आपको दिखाया है, इसी में से होकर जाती हैं। और नर्मदा और तापी जो हैं वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ज़्यादातर जो नदियाँ होती हैं वो ईस्ट की तरफ जाती हैं, लेकिन नर्मदा और तापी वेस्ट की तरफ जाती हैं और अरेबियन सी में जाकर मिल जाती हैं। वेस्टर्न घाट, जिनको हम श्यादरीज भी बोलते हैं, वो इस प्लेट्यू के बॉर्डर बन के वेस्ट साइड में हैं, और ईस्टर्न घाट्स ईस्टर्न बाउंड्री बना रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग, देखिए प्लेट्यू है, इसके ईस्ट साइड में ये रहे ईस्टर्न घाट्स, और इसके वेस्ट साइड में ये रहे वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो ये बाउंड्री बनाते हैं, ये ईस्ट साइड में और ये वेस्ट साइड में। ठीक है, तो ये बता रखा है हम लोगों को, प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री। अब जो वेस्टर्न घाट हैं वो थोड़े सही से हैं, लेकिन ईस्टर्न घाट थोड़े टूटे टूटे से हैं, ब्रोकन हैं। ठीक है, प्लेट्यू इज़ रिच इन मिनरल। अब जैसा आपको पता है, जो प्लेट्यू होता है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, जो प्लेट्यू होता है उसके अंदर हमें कोल आयरन वगैरह मिलते हैं, वो ऐसे मिनरल्स में रिच होता है। अब इस बॉक्स को पढ़ते हैं, मैनी गर्ल्स आर नेम्ड आफ्टर रिवर्स, एग्जाम्पल यमुना, मंदाकिनी, कावेरी। तो यहाँ बोला गया कि काफ़ी लड़कियों का नाम नदियों पर पड़ता है, जैसे यमुना, मंदाकिनी, कावेरी। तो ऐसे आपके घर के आसपास कोई लड़की है जिसका नाम नदी पर पड़ा है, या फिर आप बता सकते हैं जिसका नाम पानी से रिलेटेड पड़ा है, जैसे शबनम हो गया। तो ये आपसे पूछा गया है। टू द वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड द ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट लाई द कोस्टल प्लेन्स। अब हम देखें तो देखें यहाँ पर कोस्टल प्लेन्स पड़ते हैं वेस्टर्न साइड के साइड में। अब मैं इसको मिटा देती हूँ, देखिए अगर हम गौर से, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर कोस्टल एरियाज़ पड़ते हैं। कोस्टल एरियाज़ का मतलब जो पानी से घिरे हुए एरियाज़ होते हैं, ये देखिए कोस्टल एरिया इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। तो यहाँ पर वो स्टेट पड़ेंगे जो कि पानी से घिरे हुए हैं, जैसे केरला वाला हो जाता है, केरला। तो यही बोला गया है कोस्टल प्लेन्स पड़ते हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर। अगर हम देखें तो ये देखिए जो वेस्ट साइड में है ना, ये काफ़ी ज़्यादा पतले हैं, और ये ईस्ट साइड में जो कोस्टल प्लेन्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा मोटे हैं, यही बोला है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर एक बॉक्स और है, कॉरल्स आर स्केलेटन्स ऑफ टाइनी मैरीन एनिमल्स कॉल्ड पॉलपीज। तो यहाँ पर बता रखा है कि कॉरल्स हम किनको बोलते हैं, कॉरल्स हम जो नदी में पाए जाने वाले जानवर होते हैं ना, उनकी स्केलेटन को बोलते हैं, उनकी हड्डियों को बोलते हैं, और नदी में पाए जाने वाले जानवरों को हम पॉलीप्स बोलते हैं। तो जो पॉलीप्स होते हैं, पॉलीप्स के कॉरल्स,
पॉलीप्स की जो हड्डियाँ होती हैं मरने के बाद जो आती हैं स्केलेटन, उनको हम कॉरल्स बोलते हैं। तो जैसे देखिए, जब जीवित पॉल्पी मर जाते हैं तो क्या होता है, उनकी स्केलेटन बच जाती है, फिर दोबारा से पॉल्पीज उधर जन्मे, उसके बाद उधर ही वो लोग मर गए तो उनकी भी स्केलेटन हो जाती है, और स्केलेटन ऐसी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और इस तरीके से ऐसी नदियाँ हो जाती हैं जिनके अंदर यही सारी स्केलेटन भरी रहती हैं। तो इन नदियों को हम कोरल आइसलैंड बोलते हैं। तो ऐसा आइसलैंड जिसके ऊपर काफ़ी सारे कोरल्स हों, काफ़ी सारे कोरल्स यानी काफ़ी सारी पॉल्पीज की स्केलेटन हों, ऐसे आइसलैंड को हम कोरल आइसलैंड बोलते हैं। तो देखिए, इस यहाँ पर पिक्चर में दिखा रखा है कोरल आइसलैंड, यहाँ पर सारी देखिए स्केलेटन्स पड़ी हैं पॉलीप्स के। तो देखिए, इधर रिवर्स मेहंदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा कावेरी, ये जो नदियाँ हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, और ये नदी जो हैं काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल डेल्टाज भी बनाती हैं। डेल्टाज का मतलब होता है, जैसे देखिए मैंने आपको बताया था, नदियाँ अपने साथ काफ़ी सारे सामान लाती हैं, एलुवियल डिपॉजिट लाती हैं, रेत वगैरह लाती हैं, तो जब वो रेत वगैरह लाती हैं और कहीं जमा कर देती हैं ना, तो वो डेल्टास बन जाते हैं। डेल्टास यानी प्लेन्स को ही एक तरीके से हम डेल्टास कह सकते हैं। तो सुंदरबन डेल्टा है जो कि बना है गंगा और ब्रह्मपुत्र के उससे, जो कि बे ऑफ बंगाल में पड़ती हैं, ठीक है। तो सुंदरबन डेल्टा भी है और कई सारे डेल्टा हैं, तो नदियाँ जो है फर्टाइल डेल्टा बनाती हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर एक बता रखा है अपर्णा सिन्हा जो कि 9th स्टैंडर्ड की हैं, और वेदनाथ सुहैन जो कि 4th स्टैंडर्ड के हैं, इन्होंने एक पोयम लिखी है वाटर के बारे में, डेंजर वाटर, जैसे इन्होंने लिखा है सुनामी के बारे में। तो ये बताते हैं कि सुमात्रा में एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आया था, किसी ने एक्सेप्ट भी नहीं किया था, वहाँ पर एक बड़ी सी सुनामी आ गई थी, बड़ी बड़ी लहरें माउंटेन पर एकदम आर्मी की तरह आ चुकी थीं, और साउथ एशियन लैंड पर बहुत ज़्यादा पानी भर चुका था, फुल विथ फुरी दे किल्ड पीपल इन थाउजेंड, सारे लोग थाउजेंड में मरे, और उसके बाद सब कुछ उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया उस सुनामी ने, बिल्डिंग, फार्म लैंड, और इतनी तेज़ आई सुमात्रा में सुनामी कि काफ़ी जगह आसपास मतलब काफ़ी नुकसान हो गया, कोई भी नहीं बचा, एम्प्टी स्पेसेस बचे, पीपल बिना घर के और बिना फूड के रह गए, सब कुछ ख़त्म कर दिया उस सुनामी ने, और जो टूरिस्ट उधर घूमने आया करते थे वो भी कभी नहीं आए, पीपल अपने लोगों को मतलब पीपल ने अपने परिवार वालों को खो दिया, सर्वाइवर ने लड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया, और कपड़े वपड़े सब चले गए, सब लोगों के घर टूट गए, रिलीफ टू द अफेक्टेड वाज बीइंग सेंड आउट बट नाउ ऑफ डिसीज वाज अ बिग स्पाउट, और वहाँ पर काफ़ी सारे डिसीज़ पैदा हो गई, बीमारियाँ पैदा हो गई, काफ़ी लोग डर गए, और उस नदी के किनारे जाने से भी बहुत लोग डरने लगे, और उसके बाद कुछ लोग भागने भी लगे शहर से, द फियर इंस्टॉल इन डैम मे स्टे बाय द डेज बट इन दिस डार्कनेस अ सोरो देयर इज स्टिल अ हैप्पी रे, लेकिन इस अंधेरे में भी कहीं ना कहीं एक हैप्पी रे हो गई, खुशी का कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये पोयम लिखी है अपर्णा सिन्हा ने, और वेदनाथ स्वयं ने एक ड्राइंग बनाई है जो यहाँ पर दे रखी है, ये ड्राइंग है सुनामी की कि किस तरीके से सुनामी आई थी और लोगों के घर टूट गए थे कोस्टल एरिया में, यानी जो नदी के पास वाले एरियाज़ होते हैं ना वहाँ पर सुनामी वगैरह आती रहती हैं ज़्यादा। उसके बाद देखते हैं हम द टू ग्रुप ऑफ आइसलैंड ऑल्सो पार्ट फ्रॉम इंडिया, तो आइसलैंड भी है इंडिया के आसपास, लक्षद्वीप आइसलैंड आपने सुने होंगे जो कि अरेबियन सी में लोकेट करते हैं, कोरल आइसलैंड जो मैंने आपको दिखाए थे वो केरला में ज़्यादा पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार आइसलैंड जो कि कहाँ पर है बे ऑफ बंगाल वाली नदी में है, और आप जानते हैं कि काफ़ी सारे आइसलैंड जो हैं सुनामी में ख़त्म हो गए थे, 2004 चल रहा था और वहाँ पर सुनामी आ गई थी कुछ आइसलैंड में और वो ख़त्म हो गए थे। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या आप गूगल करके यूट्यूब करके लोगों से पूछकर बता सकते हैं कि कौन से जगहों पर सुनामी आई है और कौन से आइसलैंड ख़त्म हुए हैं। तो सुनामी क्या होती है, सुनामी एक बहुत ही ज़्यादा नदी का, जब बहुत ज़्यादा नदी आ जाती है ना बहाव से, तो उसको हम कहते हैं सुनामी, और कभी कभी सुनामी के कारण भूकंप या अर्थक्वेक आने का भी चांसेस रहते हैं। तो यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है, कैसा लगा आपको इस चैप्टर में हमने पढ़ा इंडिया के बारे में, इंडिया के आवर कंट्री इंडिया यानी इंडिया में कितने भी वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस और इंडिया की वैरायटीज़ के बारे में, हिमालयस के बारे में, और इंडिया का मैप भी हमने देखा। तो अगर आपको अच्छा लगा चैप्टर और समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।